एक कहावत है दोस्तों, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क। स्वागत है आपका सबसे आगे, सबसे पहले हरिद्वार के हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हमारा आज का मुद्दा, पिछला मुद्दा गंगा जी की गंदगी, आज का मुद्दा हमारा जंगलों में फैली हुई गंदगी, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। शासन से लेकर प्रशासन और लोग, एक तरीके से लग रहा है कि सब सो रहे हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिखाएंगे आपको कि जो यहाँ की बुरी स्थिति है। हमें सूचना मिली थी कि इस चीज़ को भी आप कवर करिए गंगा जी के साथ साथ। देख सकते हैं आप, इसमें पानी की बॉटल, पानी के गिलास, दारू की बॉटल, पैकेट्स, पन्नी, कूड़ा, जितना भी हो सकता है गंदगी, सब यहाँ पर डाली गई है। जंगलों को कहें तो एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मनसा देवी पर जब हम मौजूद थे, सेम स्थिति, सेम हाल वहाँ के हमने देखे थे। मनसा देवी के भी यही स्थिति वहाँ पर थी, लेकिन हम एक तरीके से कहें कि क्या ये दे के जा रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजाजी नेशनल के ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो शिवालिक रेंज भी इसको कहा जाता है, हिमालयन रेंज के अंदर आती हैं ये। इतना सुंदर जंगल है, इतना हरा भरा उत्तराखंड है, लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं, जिस पर दुनिया हंसती है, भारत पर दुनिया हंसती है, और हंसती क्यों है, उसका कारण यही है कि जो हमारे पास प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनको हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। नष्ट करने का कारण यही है, जो हम अपनी दिनचर्या में, अपनी हरकतों में या अपनी आदतों में जो हम बदलाव नहीं लाना चाहते, उसका एग्जाम्पल आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं। फिर मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जहां जहां इंसान पहुंचा है वहां वहां उसने कूड़ा फैलाया। देख सकते हैं आप, नीचे देखिए कूड़े का ढेर है नीचे, यहाँ झाड़ियां ऊपर से आ रहे हैं इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। इधर देखिए आप, ये देखिए रॉयल स्टैग की बोतल पड़ी हुई है। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाइए। नीचे थैले डाल रखे हैं, खाने पीने का सामान, दवाइयों की बोतल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हरकतें जो ये होती हैं, क्या शासन प्रशासन और क्या यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, क्या सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है कि इन सबको जो है वो रोका जाए। मैं आपको ले चल रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर। हम सबसे पहले पहुँचते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता हरिद्वार में, सबसे पहले चैनल जो करता है वो हम है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बिल्कुल दिखाते हैं। देख सकते हैं आप पन्नियाँ, जहाँ भी आपकी नज़र जाएंगी पूरा कूड़ा। ये पीछे जो राजाजी नेशनल पार्क का गेट है वो बंद है, हिल बाईपास पर जो फॉरेस्ट ने बंद करवाया हुआ है। मैं फॉरेस्ट के अधिकारियों से भी कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें। जैसा नज़ारा हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, शायद ही मुझे नहीं लगता कि ऐसा नज़ारा और जगह भी कहीं देखने को मिले, क्योंकि ये धर्म नगरी है, धर्म नगरी है, गंगा की नगरी है, देवों की भूमि। उत्तराखंड में हरिद्वार का इतना मान सम्मान दुनिया करती है, अगर वो लोग इस चीज़ को आगे देखेंगे या हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी इस चीज़ को देखेगी तो हमसे यही सवाल पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा। ना जमीन छोड़ी, ना जंगल छोड़े, और ना ही जल छोड़ा। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि अपनी आदतों को सुधारिए। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कोई नहीं सुधर सकता। और शासन प्रशासन से भी यही अपील है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों पर आके गौर किया जाए, यहाँ पर सफाई करी जाए, लोगों को रोका जाए, जो भी करना पड़े, सख्त कदम उठाने पड़े तो सख्त कदम उठाइए, लेकिन ऐसी चीज़ें गंगा जी और जंगलों में बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ साथ वन्य जीव जंतुओं पर भी एक कुठाराघात हो रहा है। वो मौन है, वो बोल नहीं सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए कुछ भी ना छोड़ें। तो मेरे आपसे यही अपील थी, हम ग्राउंड जीरो पर आज मौजूद थे। फिर मिलता हूँ किसी अगले मुद्दे के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।